भगवान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की हैं, वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी हैं। जो चीजें आपसे हजारों मील दूर पैदा होती हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं। आपको खाने पीने को जितना लगता है वो सब 20 किलोमीटर के दायरे में होता है। आप पटियाला को केंद्र बनाकर 20 किलोमीटर का एक सर्कमफेरेंस बना दीजिए, आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है। और हजारों मील दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या कर्नाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है, वो आपके लिए मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं है। क्योंकि हर वस्तु आबो हवा के हिसाब से होती है, जहां जिसकी जरूरत है वहीं वो चीज होती है। कुर्ग एरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां कॉफी होती है। पटियाला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए हैं, तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुकूल नहीं।